कैसे हैं आप सब? जैसे कि रमज़ान गुजरा, सबका रमज़ान कैसा गुजरा ये भी बताएं। और कोरोना की सिचुएशन तो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, तो जो है अब ईद भी करीब आ गई है, आज 22 रमज़ान है। तो ईद से रिलेटेड मेरी काफ़ी वीडियोस आ रही है, जैसे वैक्सीन की आ गई, फिर इसके बाद मैंने अपलोड की थी वैक्सीन के बाद अपलोड की मैंने हेयर केयर से रिलेटेड, क्योंकि ईद के दिन करीब आ रहे हैं, तो उससे ये है कि पार्लर्स तो जा नहीं सकते, पार्लर्स तो सब बंद है, और ईद के करीब तकरीबन टोटली लॉकडाउन भी हो जाएगा। तो जो है घर में ऐसे मैं टिप्स आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो आप कम वक्त में काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकती हैं, क्योंकि जो घर में मदर्स हैं, बच्चियां तो चले कर लेती हैं, लेकिन मदर्स वगैरह जो हैं वो एक प्रोसीजर पूरा थरोली नहीं जो है फॉलो कर सकती हैं। तो उनको होता है कि अच्छा 5-10 मिनट्स में मैं हम ना करके फारिग हो जाए और ईद पे हम चमकें भी। तो इसके लिए मेरी बिल्कुल छोटी छोटी सी बिल्कुल टिप्स आ रही हैं जिनको आप फॉलो करके बहुत अच्छा वैसे ही फेशियल वैक्सीन हेयर केयर वैसा ही रिजल्ट ले सकते हैं जो आप रेमेडीज घर में वैसे ट्राई हम करते हैं, जिसे हमें करने में तकरीबन आधा घंटा या लग जाता है टाइम ना तकरीबन, तो वो आप 2-3 मिनट्स के बाथरूम में गए हैं शावर लेने के लिए, जैसे हेयर वॉश का आया था मेरा हेयर केयर से रिलेटेड, 3 मिनट में आप वैसा ही रिजल्ट ले सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे मेरे पास ये वाइटनिंग कैप्सूल पड़े हैं, वाइटनिंग कैप्सूल जो हैं वो हमें वाइटनिंग कैप्सूल हम ब्लीच में डाल के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और फेशियल वगैरह में यूज़ होता है ये वाइटनिंग कैप्सूल, यानी कि बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। लेकिन अभी आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो बिल्कुल छोटा सा जो है और आपको बिल्कुल फेशियल जैसा इफेक्ट देता है, क्योंकि आजकल समर है तो उसके लिए कूल और सूथिंग इफेक्ट हो ना फेशियल का तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ ना आज शेयर करूंगी एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कह लें कि आप 5-10 मिनट्स का प्रोसीजर है, फेशियल ही कह लें किस्म का, तो उससे आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी कि बस। और ब्लीच जो है, ब्लीच से रिलेटेड मेरी वेला ब्लीच से रिलेटेड जो है वो पहले से ही ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, वो आप मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और इसके लिए जो आप वो विजिट करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं वेला ब्लीच की, और घर में इजीली आराम से बिल्कुल कूल माहौल में कहते हैं ना वो आप ये करके बिल्कुल वैसा ही पॉलर जैसा सैलून जैसा इफेक्ट्स ले सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले आप क्या करें, सबसे पहले मेरा जाके चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना, क्योंकि वहाँ पर भी मेरी बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स और काफ़ी जो है ना मैं अपडेट रखती हूँ वहाँ पे अपने फॉलोअर्स को, इस वजह से आप वहाँ जाके फॉलो करें। सॉरी गले की प्रॉब्लम की वजह से ऐसे हो रहा है। अच्छा जी, डर्मा शाइन से रिलेटेड भी मेरी वीडियो है, उसके ऊपर जो है चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं जाके, डर्मा शाइन का फेशियल बहुत अच्छा है, और ये मेरे पास जो है ना इसका फेशियल मास्क है, स्किन हाइड्रेटिंग फेशियल मास्क है, ठीक है। ये बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप है इसका, क्या है फेशियल के अंदर जब हम करते हैं बिल्कुल लास्ट में आप ये लगा के छोड़ देते हैं, और फिर इसके बाद अपना फेस वॉश कर लेते हैं जब ड्राई हो जाता है, और इतना कूल सूथिंग इफेक्ट आता है इसको लगाने के बाद समर में खासतौर पे, और सर्दियों में अगर आप लगाएं तो फ्रीज ही हो जाएंगे, तो लगाने के बाद इतना अच्छा ये इफेक्ट देते हैं। ऑल स्किन टाइप है, किसी की एक्नी है, जो भी है, जो जैसी भी स्किन है, हर स्किन के ऊपर ये सूट कर जाता है, ठीक है। अच्छा ये जो है अब मैं आपको बताती हूँ, ये वाइटनिंग कैप्सूल ये आपको मार्केट से जो है ना मुझे तकरीबन 20 रुपीस का मिला, पहले ये 15 रुपीस का मिलता था, ठीक है। ये आपने क्या करना है, सबसे पहले ये डालना है, आप चांद रात वाले दिन कर लें या ईद वाले दिन ही कर लें, 10 मिनट्स का एक किस्म का ये फेशियल मिनी कह लें मिनी फेशियल प्रोसीजर है, इस तरह से आपने इसे डालना है, ठीक है। जितनी भी आपने क्वांटिटी लेनी है, इसे डालने के बाद आपने ये वाला कैप्सूल, वाइटनिंग कैप्सूल, ये लिक्विड में भी मिलता है और पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी है, आपने जिसमें भी लेना है, इसे या तो आप पिन से कर लें, ठीक है। ये देखिए आपको दिखाती हूँ करीब से, ये देखिए इस तरह से ये निकलेगा वाइट से कलर के, इस तरह से आपने इसे करके। तो अच्छा मैं ज़्यादातर अपना कोरोना जब से हुआ है घर में हेयर ब्रश तो साफ ही होते हैं,
लेकिन की दफा डस्ट वगैरह पड़ी होती है। इस तरह के जब आप फेशियल करें ना तो अपने फिंगर को यूज करें ज्यादा, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई डस्ट वगैरह कोई जर्म उस तरह से कुछ भी नहीं जाएंगे। या अगर आप ब्रश बहुत अच्छे साफ रखते हैं तो ब्रश आप यूज कर सकते हैं। यार बच्चों वाले घर में अक्सर मदर्स के ब्रश वगैरह जो बच्चे पकड़ लेते हैं, अच्छा ये आपने इस तरह से मिक्सिंग करके ना इसे सिंपल अपने फेस के ऊपर पूरे स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए मैं आपको अपने हाथ पे करके दिखा देती हूँ, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छा ये फेशियल इफेक्ट देता है, मिनी फेशियल, मैं तो इसे मिनी फेशियल कहती हूँ। आपको बिल्कुल वाइटनिंग ग्लो जो कहते हैं ना, हमें चिट्टा करते हैं भी एक मिनट में, पॉलर वरियों को जाके कहती हैं हमें चिट्टा करते हैं, हम काले नहीं अच्छे लगते भी। तो ये वो कैप्सूल है वाइटनिंग कैप्सूल, तो यही वो डालती हैं। आप ब्लीच में भी यूज कर सकती हैं, जिनके पास ये नहीं है वो ब्लीच सिर्फ करती हैं, वेला की ब्लीच बेस्ट ब्लीच है, वो आप लें और उसके अंदर अगर ये आप डाल देती हैं वाइटनिंग कैप्सूल, वो भी आपको बहुत अच्छा ग्लो देगा। और जिनके फेशियल वगैरह आप, इससे ये है कि आपके ब्लैक हेड्स भी बहुत आराम से निकल आएंगे। अगर नोज के एरिया में ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी बहुत आराम से निकल आएंगे। तो आपने अभी इसे थोड़ा सा ड्राई होने देना है, ठीक है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने इसे वॉश कर देना है, ठीक है। बहुत अच्छा इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट रहता है और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है इसकी फ्रेगनेंस भी। डर्मा शाइन का अगर आप लोकली कोई देखें, डर्मा शाइन का जो है सबसे बेस्ट फेशियल किट है, ठीक है। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तब इसकी प्राइस 2800 की रेंज में चल रही थी। अब थोड़ा सा जो है एक्सपेंसिव हो गया, आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनको इनसे पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब ये ड्राई होता है तो फिर मैं आपके साथ रिजल्ट इसका शेयर करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये ड्राई हो गया था मेरा, ठीक है। आफ्टर वॉश ये देखें, दोनों में डिफरेंस देखें आप, कितना डिफरेंस है, कितना अच्छा उसने ना 10 मिनट्स में रिजल्ट दिया। 10 मिनट्स में आपका ये ड्राई हो जाएगा और आपने इसे क्या करना है, वॉश कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने है ना वाइटनिंग जो ये कैप्सूल है, ये आपने जो इस तरह के मास्क होंगे ना जो सूथिंग इफेक्ट देंगे, आइसिंग जिनके ऊपर लिखा हो या सूथिंग इफेक्ट लिखा हो, उस तरह के मास्क में ना आप ये यूज कर सकते हैं ये कैप्सूल, ठीक है। हम बलीज में भी, क्योंकि ये इसमें बूस्टर होता है तो ये थोड़े से ना उस तरह से कहने के आप गर्म से लगते हैं, अगर आप दूसरे में फेशियल में डालें ना उस तरह से, ब्लीच में भी हम इस तरह से डालते हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले सूथिंग लोशन डालते हैं जो हमें ठंडा ठंडा सा इफेक्ट देता है, ऊपर लिखा होगा, जिनको नहीं पता ना सूथिंग लोशन क्या होता है, आप जाकर उन्हें कह रहे हैं हमने सूथिंग लोशन देना, वो आपको इतना सा एक बॉटल दे देंगे या जैसे भी उसकी पैकेजिंग होगी वैसे ही दे देंगे। वो डालने से ये होता है कि आपको जो है इचिंग नहीं होती कोई भी ब्लीच की, और ना इससे कोई होती है फील, ठीक है। और इससे वाइटनिंग ग्लो भी आता है और सबसे मिनी जो है ना फेशियल, मैं खुद से इसे पर्सनली मिनी फेशियल कहती हूँ कि आप आराम से इसे घर पे इन दिनों में इस सिचुएशन में आप आराम से कर सकते हैं। और वैसा ही सैलून जैसा ये चीजें दो यूज करके ना आप इफेक्ट ले सकते हैं। जरूरी नहीं आपके पास ये नहीं है तो आपने ये ही लेना है, जो भी आपके पास फेशियल है, जो लास्ट पे आप मास्क अप्लाई करती हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में आप देख लें, अगर वो सूथिंग इफेक्ट देता है, सूथिंग इफेक्ट लिखा हुआ है या आइसिंग इफेक्ट लिखा हुआ है, कि आपको वो ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है लगा के ना स्किन में, बहुत रिलैक्स आप फील कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर ये वाइटनिंग कैप्सूल डालें एक, ठीक है। उसको मिक्स करें ब्रश से या फिंगर से, जैसे भी आपको अच्छा लगे, उसे मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, देखें कोई भी मैनिक्योर की जरूरत ही नहीं है इसको ये करने के बाद ना, मुझे तो कोई भी आप करें। और इसके बाद मिक्स करें उसको और उसी टाइम अपने आप फेस पे अप्लाई कर लें और जब वो ड्राई हो जाए उसे वॉश आउट कर दें, ठीक है। से मैं स्पंचिस बहुत कम यूज करती हूँ, मैं ज्यादा मेरी होती है ट्राई कि मैं अगर फेशियल कर रही हूँ मैं जाके वॉश कर लूँ, वॉश करने के बाद मैं सब कुछ करने के बाद अगर मैं ब्लीच करती हूँ, ब्लीच करने के बाद या तो मैं ब्लीच के अंदर भी जो है वो डाल लेती हूँ अरके गुलाब, या ब्लीच करने के बाद अरके गुलाब हल्का हल्का टैप टैप एज अ टोनर जरूर यूज करती हूँ। मैंने टोनर कभी फेशियल के बाद नहीं यूज किया, फेशियल के बाद मैं हमेशा अरके गुलाब से अपने स्किन को ना एज अ टोनर ही यूज करती हूँ अरके गुलाब को, ठीक है। इसको वॉश करने के बाद हल्का सा आप अरके गुलाब लगा लें कॉटन के साथ, टैप टैप कर लें टोनर की तरह जैसे लगाते हैं, बस इसके लिए आप जो है मुझे अब आपने काम जो करना था वो मैंने आपको बता दिया। आपने मुझे फॉलो करना है इंस्टा पे और इसके अलावा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियोस को शेयर करना है। और अब इसके बाद ईद की जो है
काफी मुझे आ रहे हैं मैं इंस्टा पे मैसेजेस के ब्लैक हेड्स पे बताएं, ब्लैक हेड्स पे आएगी। या अगर आप कुछ और में कोई वीडियो लेना चाहते हैं तो आपको छोटे से झटपट में आपका मसला सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि सैलून नहीं हम जा सकते तो सैलून में आप घर में ही मार, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज रिप्लाई मैसेज कर सकती है, कमेंट कर सकती हैं कि आप इस चीज़ से रिलेटेड हमें दे दें, या इंस्टा पे मुझे आप फॉलो जब करेंगे तो वहाँ पे मुझे डीएम कर सकती हैं। तो दुआ में अपने याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।